हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब तक हम लोगों ने इसके 3 पार्ट्स कवर किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर किया था, उसमें World War I, World War II के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, उसके कॉजेज को डिस्कस किया था और उसकी वजह से हिटलर और नाजीज्म के राइज का ये चैप्टर भी हम लोग डिस्कस किया था कि क्यों ये चैप्टर इस टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड पार्ट किया, उसमें द वाइमर रिपब्लिक का बर्थ और उसके बाद के उसके ठीक पहले के इंसिडेंट्स को डिस्कस किया था। पार्ट थर्ड में हम लोगों ने पॉलिटिकल रेडिकलिज्म वाले टॉपिक को डिस्कस किया और आज हम लोग द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हिटलर के राइज में ये ईयर्स ऑफ डिप्रेशन कैसे कंट्रीब्यूट किया। और मेरे ये पुराने सभी Part 1, Part 2, Part 3 का लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। द ईयर ऑफ डिप्रेशन, हम लोग इसमें देखेंगे कि यूएसए का इस टॉपिक में इन्वॉल्वमेंट क्या है। यूएसए में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 आया, उसकी वजह से कैसे इसका इफेक्ट जर्मनी पर पड़ा। फिर हम देखेंगे कि कैसे उसका इफेक्ट द वाइमर रिपब्लिक पे पड़ा। फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कैसे बढ़ता चला गया, फॉल ऑफ प्राइसेस हुआ, खासकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन उसके प्राइसेस लगातार गिरते चले गए और उसके वजह से क्या हुआ, ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। इससे लॉस किसको हुआ, सबसे बड़ा लॉस, बिग लॉस पीजेंट्स को हुआ और पीजेंट्स के लॉस के वजह से लॉस फिर फर्दर आगे कंटिन्यू हो गया, स्मॉल और लार्ज बिजनेसमैन को भी लॉस हुआ। और इस तरीके से इस वाइमर रिपब्लिक जर्मनी पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था की गई थी उन सभी चीज़ों में जर्मन्स का फेथ खत्म होता चला गया, कॉन्फिडेंस खत्म होता चला गया। और इन सब के साथ द राइज ऑफ हिटलर हुआ। इन सब के साथ ये चैप्टर बिल्कुल क्लियरली जुड़ा हुआ है, नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ईयर बिटवीन 1924 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी। 1924 और 1928 के बीच में जर्मनी में पूरे वर्ल्ड में एक स्टेबिलिटी दिखता है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम, चाहे वो पॉलिटिकल, सोशल या फिर वर्ल्ड वाइड हो, इकोनॉमिक हो, किसी तरह का कोई बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं दिखता है, ना जर्मनी में, ना यूरोप में, ना ही अमेरिका में। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल्स रिकवरी वेयर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम यूएसए। हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट थ्री में कि डॉज प्लान की वजह से कैसे अमेरिका जर्मनी के हेल्प के लिए आगे आया, उसको शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किया और इसकी वजह से जर्मनी में जो भी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स थे उसका इमीडिएट सॉल्यूशंस मिल गया और उसकी वजह से धीरे धीरे जर्मनी में एक नॉर्मल स्टेबिलिटी आने लगा। जर्मनी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गया और इससे जर्मनी में रिकवरी स्टार्ट हो गया। तो ये यही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इस पॉइंट का लिंक सीधे पार्ट थ्री के अमेरिका के लोन प्रोवाइड करने से, डॉज प्लान से रिलेटेड है, जिसको हम लोगों ने पार्ट थ्री में कवर किया है। दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929। अमेरिका तब तक तो चुप था, शांत था और उसे कोई दिक्कत नहीं थी जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल था, कंट्रोल में था। लेकिन जब वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, अमेरिका में चारों तरफ रिसेशन आ गया। रिसेशन का मतलब महंगाई बढ़ जाना और लोगों के सेविंग्स को का डिमोलिश हो जाना और लोगों की बाइंग कैपेसिटी खत्म हो जाना, कम हो जाना, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना और इसकी वजह से सिचुएशंस अनकंट्रोलेबल हो जाना। तो ये सब कुछ अमेरिका में 1929 में हुआ और इसकी वजह से अमेरिका ने जर्मनी को जो भी लोन वगैरह का फैसिलिटी दिया था वो सब कुछ उसने स्टॉप कर दिया। तो इससे असर सीधे जर्मनी पर पड़ा। फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। इस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में जब क्रैश हुआ तो जिन लोगों ने भी शेयर्स में निवेश किया था उन्हें ये लगा कि अब शेयर्स के प्राइसेस डिक्रीज होंगे और तेजी से डिक्रीज होंगे, तो लोग अपने सेविंग्स को बचाने के लिए
अब तुरंत अपने शेयर्स को सेल करना स्टार्ट किए, और इस तरीके से लोगों में डर हो गया कि वो अभी तुरंत अपने शेयर्स को नहीं बेचेंगे तो उनको बहुत बड़ा ह्यूज लॉस उठाना पड़ेगा। तो लोगों ने शेयर्स को सेल करना स्टार्ट किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि सिर्फ एक दिन में, ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 1929, सिर्फ एक दिन में 13 मिलियन शेयर्स सोल्ड हो गए। और हम सब जानते हैं कि जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं तो उसके प्राइसेस गिर जाते हैं, चाहे हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज की बात कर लें, आज भी बात कर लें, जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा तो उसके प्राइसेस गिर जाएंगे। तो वही यहाँ भी हुआ, 13 मिलियन शेयर्स एक दिन में सोल्ड हुए। तो उसके बाद के नेक्स्ट डेज में लगातार ये चीज़ें होती चली गई, शेयर्स के प्राइस बहुत नीचे चले आए। जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट किए थे उनके सेविंग्स, उनको प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं है, उनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स थे उसमें सब कुछ उनका डिक्रीज हो गया, उन सब को लॉस उठाना पड़ा। दिस स्टार्टेड द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। आगे के टाइम में और आगे बढ़ता चला गया, इसी को हम लोग ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बोलते हैं। ये अमेरिका में हुआ और इसका असर, चूंकि अमेरिका उस वक्त बहुत रिच कंट्री था और आज भी है, और उसके लोन्स उसने कई देशों को लोन्स दिए थे, तो अमेरिका से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग भी इकोनॉमिकली जुड़े हुए थे और खासकर जर्मनी, सभी देशों को इसका इफेक्ट झेलना पड़ा। ओवर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ। 1929 से 1932 के बीच में यूएस इकोनॉमी हाफ हो गई। हाफ का सीधा असर ये हुआ कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, वहाँ पर लोगों के पास जॉब नहीं था, जो लोग भी जॉब में थे उनका सिचुएशन खराब होने लगा, उनको परफॉर्म भी ज़्यादा करना था, उनके वर्किंग आवर्स भी बढ़ गए और उनको पेमेंट भी, उनके वेजेस भी कम कर दिए गए, सब कुछ कम हो गया। बिल्कुल वही सिचुएशन जो पिछले 2 साल से यहाँ कोरोना की वजह से इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड है, यहाँ भी इस सिचुएशन में भी लोग की जॉब्स जा रही है, जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके सैलरीज कम हो गई है, वेजेस कम हो गए हैं, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो गई है, लोगों के सेविंग्स डेमोलिश हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और इस तरीके से लोग अब बार्गेन नहीं कर सकते हैं अपने वेजेज के लिए, अपने सैलरीज के लिए। तो वही बात यहाँ बताया गया, फैक्ट्रीज शट डाउन, बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए, एक्सपोर्ट्स फेल, जो भी एक्सपोर्ट किया जाता था अमेरिका से दूसरे देशों को वो सब एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो गए, डिक्रीज हो गए। फार्मर्स वेयर बैडली हिट, इसका असर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि फार्मर्स पे सबसे ज़्यादा पड़ा, उनका प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा बहुत अच्छा हुआ और इसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि फार्मर्स को इसका नुकसान हुआ, उनके अच्छी प्राइसेज नहीं मिली तो फार्मर्स को लॉस हुआ। स्पेकुलेटर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, जिन लोगों ने भी शेयर मार्केट में और कहीं भी इंडस्ट्रीज में उन पैसा लगाया था, उन लोगों ने इस लॉस के सिचुएशन को देखते हुए अपने रिकवरीज करना स्टार्ट किया, अपने पैसे मार्केट से निकाल लिए, इसकी वजह से भी मार्केट में मनी की कमी हो गई और इसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी बिल्कुल डिमोलिश हो गया। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाई दिस क्राइसिस, इसकी वजह से ये जो द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन यूएसए 1929 आया, इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड इस क्राइसिस का इफेक्ट हुआ, और सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट, सबसे बुरी तरीके से प्रभाव किस पर पड़ा, जर्मनी पर। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 1929 लेवल, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और पेड रिड्यूस्ड वेजेस, जो भी वर्कर्स थे उन बहुत सारे वर्कर्स जो अनस्किल्ड थे या सेमी स्किल्ड थे उनमें से बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, और जिनके जॉब बचे उनके पेमेंट या वेजेस जो थे, हम सैलरी की बात कर लें या फिर मजदूरी वेजेस की, तो उनके वेजेस रिड्यूस हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट टच्ड टू 6 मिलियंस, अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन यानी कि 60 लाख टच कर गया, और अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो गवर्नमेंट डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट इससे कहीं ज़्यादा होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैन विथ प्लाकार्ड अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क, लोग अपने गले में
एक प्लाकार्ड टांग कर घूमने लगे और उस प्लाकार्ड पर लिखा था विलिंग टू डू एनीथिंग, यानी हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कि लोगों के पास सेविंग्स भी अब नहीं बचा था, जॉब तो था ही नहीं, सेविंग्स भी नहीं था, और खासकर विलिंग टू डू एनीथिंग का सीधा मतलब है कि वो कुछ भी काम करके कुछ थोड़े बहुत मनी अर्न करके उससे अपने ब्रेड्स को परचेज करना चाहते थे ताकि वो दो टाइम खाना खा सकें, जिंदा रह सकें। सर्वाइवल की बात आ गई थी। एज जॉब्स डिसअपियर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन। जैसे जैसे लोगों के जॉब चले गए और चारों तरफ घोर निराशा छा गई, अब यूथ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। दिस क्राइसिस, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस, क्रिएटेड डीप इनएक्सिटीज एंड फियर इन पीपल। इसकी वजह से घोर निराशा लोगों में हो गई और लोगों के अंदर एक अजीब सा डर भी हो गया कि अब हम इस सिचुएशन से कब और कैसे बाहर निकलेंगे। द मिडिल क्लासेज सैलरीड एंड पेंशनर्स फेल्ट देयर सेविंग्स डिमिनिश। मिडिल क्लास में जो लोग सैलरीड पे थे या जो ओल्ड एज लोग पेंशनर्स थे, अब उनको ये डर सताने लगा कि उनके सेविंग्स खत्म हो जाएगी। उनका सिचुएशन भी धीरे धीरे खराब होने लगा। करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यूज, जो भी जर्मन करेंसी थी उसकी वैल्यू कम होने लगी। हम लोग पीछे के टॉपिक में डिस्कस किए हैं, उसमें क्या था सिचुएशन कि लोग बैग्स भर भर कर ले जाते थे और उससे ब्रेड का एक पैकेट परचेज करते थे। तो यहाँ वही समझाया गया कि जर्मन करेंसी का वैल्यू लॉस्ट हो गया, अब उस करेंसी में भी लोगों को भरोसा नहीं था। स्मॉल बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेसेस गॉट रियुंड। स्मॉल बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स, ये भी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा निराश थे, रियुंड हो रहे थे, ये बर्बाद हो रहे थे क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोग परचेजिंग कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी थी लोगों की। और इस तरीके से जो रिटेलर्स थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे या फिर स्मॉल बिजनेसमैन थे, सभी अब इस सिचुएशन में निराश थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और किसी के पास पैसे भी अब नहीं थे। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेयर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलिटेरियनाइजेशन। इस तरीके से ये पूरा जो हम लोग सोसाइटी का बात किए, सैलरीड, मिडिल क्लास सैलरीड, पेंशनर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटेलर, ये सब मिडिल क्लास के थे और मिडिल क्लास का सेविंग्स डिमोलिश हो गया था, मिडिल क्लास का अर्निंग घट गया था। अर्निंग घटने का सीधा मतलब है कि उनकी अर्निंग हाफ हो गई थी, गुड्स और कमोडिटीज के प्राइसेज बढ़ गए थे और इस सिचुएशन में लोगों के पास पैसे भी नहीं थे और उनको जरूरी चीज़ें परचेज भी करनी थी। बिल्कुल इसी सिचुएशन को प्रोलिटेरियनाइजेशन बोला गया। इस प्रोलिटेरियनाइजेशन सिचुएशन में क्या होता है, एन एनेक्सिटी ऑफ बींग रिड्यूस टू द रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास और वर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड। इसमें यह बताया गया कि लोगों को डर या भय इतना हो गया कि उनका जो भी मिडिल क्लास का स्टेटस है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो रिड्यूस होकर, घटकर वर्किंग क्लास तक हो जाए, यानी वर्कर्स तक चला जाए, या फिर उससे भी बुरा सिचुएशन ये हो कि लोगों के पास जॉब नहीं हो और उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़े। तो इस सिचुएशन में ये पांचों कैटेगरी थे, मिडिल क्लास, सैलरीड, पेंशनर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटेलर्स, और इनको ये डर सता रहा था कि इनका जो मिडिल क्लास का स्टेटस है, जो मिडिल क्लास का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो रिड्यूस होके वर्कर क्लास तक मत चला जाए। और इस डर को ही और इस सिचुएशन में लोगों के चले जाने को ही प्रोलिटेरियनाइजेशन बोला गया। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज बट इट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। ऑर्गेनाइज वर्कर का सिचुएशन कुछ हद तक ठीक था, उनका बार्गेनिंग कैपेसिटी खत्म हो चुका था, उनके जॉब्स बचे हुए थे लेकिन उनको पेमेंट रिड्यूस्ड मिल रहा था। इस तरीके से जो ऑर्गेनाइज्ड लोग थे, ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास, चाहे वो सैलरीड की बात हो, चाहे वो वर्कर्स की बात हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के वर्कर्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट ओन्ड कैपेसिटीज वाले इंडस्ट्रीज, तो उनके वर्कर्स की स्थिति कुछ हद तक ठीक थी लेकिन वो बार्गेनिंग कैपेसिटी खो चुके थे। बिग बिजनेसेस वाज इन क्राइसिस, बिग बिजनेसमैन और उनके बिजनेसेस क्राइसिस झेल रहे थे।
peasantry was affected by a sharp fall in agricultural prices and deep despair were filled everywhere, women, children including. जो भी peasantry वर्ग था यानी किसान वर्ग, वो बहुत बड़े लार्ज नंबर्स में था और उनको डीप एनेक्सिटी, निराशा हुई, उनको बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जरूरत से ज़्यादा हुआ और इसकी वजह से उनके प्राइसेस डाउन हुए और उनको अपने प्रॉफिट की तो बात नहीं, उनका जो लागत कीमत था वो भी नहीं मिला, तो इससे एग्रीकल्चर में जो पीजेंट्री ग्रुप था उसको बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हुआ. पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल. हम लोग इस टॉपिक में देख चुके हैं पार्ट टू में कि पॉलिटिकली वाइमर रिपब्लिक का बर्थ जिस सिचुएशन में हुआ, लोग जर्मन वहाँ के पसंद नहीं कर रहे थे और जर्मन से इस वाइमर रिपब्लिक का अलग अलग धीरे धीरे सिचुएशन और कन्वर्ट होता चला गया और इसकी वजह से वाइमर रिपब्लिक को लोग पसंद करना छोड़ दिए, उस पर फेथ करना छोड़ दिए, कॉन्फिडेंस वाइमर रिपब्लिक में कम होता चला गया. इट हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, हम लोग उसी की बात की है अभी, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप. यहाँ इस पॉइंट में यही समझाया गया कि वाइमर रिपब्लिक अब अनस्टेबल हो गया था, वाइमर रिपब्लिक पर जर्मन्स का भरोसा खत्म हो रहा था, फेथ खत्म हो रहा था, कॉन्फिडेंस कम हो रहा था और इस तरीके से डेमोक्रेसी का जो एक सिस्टम लाया गया था वो, उस पर भी फेथ कम हो रहा था और इसकी वजह से लोग डिक्टेटरशिप को पसंद करने लगे और लोगों की इच्छा हुई कि कोई एक ऐसा रूलर आए जो जर्मनी को भी प्राउड कराए और वर्ल्ड वाइड यूरोप में जर्मनी का फिर से वापस वही फेमस हो, वही पॉपुलैरिटी हो, वही प्राइड और रिकॉग्निशन मिले जर्मनी को, जर्मन्स को. अचीविंग अ मेजोरिटी बाई एनी वन पार्टी वॉज नियरली इम्पॉसिबल टास्क. अभी सिचुएशन में जर्मनी में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से मेजोरिटी अचीव कर लेना उनके लिए इम्पॉसिबल टास्क था और इसका सीधा मतलब है कि अब लोग जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे उनको कॉलिशन में काम करना पड़ता. कॉलिशन में काम करने का सीधा मतलब है कि मोर देन वन पार्टी ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट. लीडिंग टू ए रूल बाई कॉलिशन, अब उनको कॉलिशन के साइड में चलना हो जरूरी हो गया था. आर्टिकल 48 गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाई डिक्री. आर्टिकल 48 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने प्रेसिडेंट को पावरफुल बना दिया. अब प्रेसिडेंट कैसे पावरफुल हो गए, तो उनको तीन चार पावर्स मिल गए. एक तो कि वो पूरे कंट्री में इमरजेंसी घोषित कर दिए, दूसरा वो सिविल राइट्स भी सस्पेंड कर दिए. सिविल राइट्स सस्पेंड होने में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी तरह का कोई सभा नहीं कर सकती है, पब्लिक स्पीच नहीं हो सकता है, लोगों को भड़काने उकसाने का काम नहीं हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को फेमस करने के लिए लोगों के बीच नहीं जा सकती है और इस तरीके से जो भी एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलता है, राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस, वो सारे फ्रीडम्स इस सिविल राइट्स के सस्पेंशन में छीन लिए गए. रूल बाय डिक्री, रूल बाय डिक्री का सीधा मतलब है कि प्रेसिडेंट जो भी बोल देंगे, आज्ञा यानी ऑर्डर निकाल देंगे, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा, कोई उसमें इफ या बट नहीं कर सकता है. द वाइमर रिपब्लिक ट्राइड टू मैनेज इट थ्रू कैबिनेट मीटिंग्स एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48. वाइमर रिपब्लिक कोशिश किया, कई मीटिंग्स किए उसने, सैकड़ों मीटिंग्स किए, उस मीटिंग्स के बाद भी उसने धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों में सुधार करने का कोशिश किया. अपने लोगों को उसने आर्टिकल 48 को लिबरल तरीके से, उदार तरीके से इस्तेमाल करने का ऑर्डर जारी किया, लेकिन इन सब के बावजूद वाइमर रिपब्लिक पे फेथ लोग जर्मन्स का जम नहीं रहा था. बट पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम्ड टू ऑफर नो सॉल्यूशंस. इसकी वजह से क्या हुआ कि वाइमर रिपब्लिक पे लोगों का फेथ कम होता चला गया, कम होता चला गया, कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बढ़ गई, क्राइम बढ़ गया, लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम से नफरत करने लगे, नफरत बढ़ता चला गया, उनको इसका एक सॉल्यूशन चाहिए था, सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप में नजर आ रहा था और इस तरीके से ये सारे सिचुएशंस जो हम लोग डिस्कस किए, यूएसए के ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 से लेकर वाइमर रिपब्लिक का पॉलिटिकली इनस्टेबल होना या सोसाइटी में
महंगाई इस हद तक बढ़ जाना, लोगों का जॉब चला जाना, उनके सैलरीज उनके वेजेस का घट जाना या और लोगों के सेविंग्स का ख़त्म हो जाना, ये सारे सिचुएशंस में ये दिखता है कि चाहे वो एजुकेटेड वर्ग हो, मिडिल क्लास हो, या फिर अनएजुकेटेड वर्ग में वर्कर्स हो, ठीक है, ये सारे लोग में डीप एनेक्सिटी थी, फियर था, डिस्पेयर था, इसका मतलब निराशा, और इस सारे सिचुएशन से बाहर निकलने का एक ही सॉल्यूशन नज़र आ रहा था, डिक्टेटरशिप। पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हिटलर्स राइज टू पावर। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए इस चैनल के बारे में। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लाऊंगा। थैंक यू।